स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत भोई कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत भोई कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का ये वीडियो सभी रेल यात्रियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सभी रेल यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड बहुत सारे रेल यात्री ने रेलवे के पास कंप्लेन की, रेलवे को शिकायत की, तो फाइनली में रेलवे ने नया सोल्यूशन लाया है। और दोस्तों ये एक हिसाब से देखा जाए जो भी किया जा रहा है रेल यात्रियों को देख कर किया जा रहा है, मतलब उनके हित के लिए किया जा रहा है। तो फ्रेंड रेलवे कहना है कि जब भी आप अब स्टेशन से कोई भी शॉपिंग करेंगे तो आपको ONMRP पर वो प्रोडक्ट मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, रेलवे ने बोला है कि जो भी IRCTC के वहाँ पे स्टॉल लगे होंगे या फिर जो भी विक्रेता होगा उसको मतलब पहले से ही बोला गया है कि ONMRP से ज़्यादा आपको प्राइस नहीं लेना है। लाइक दोस्तों अगर रेल नीड 15 रुपये का तो 15 रुपये में, कोई चिप्स 10 रुपये में तो 10 रुपये में, कोई 15 रुपये में तो 15 रुपये में। ऐसा दोस्तों मोस्टली भारत भर में जितने रेलवे स्टेशन पे मतलब जो विक्रेताओं की दुकान लगी हुई है जो वहाँ पे सबको बोल दिया गया है। ये चीज़ फ्रेंड आप ध्यान रखें, रेलवे ने बोला है दोस्तों आप जो IRCTC के मतलब जो ऑथराइज विक्रेता हैं उनके पास से सामान खरीदें, वो आपसे ज़्यादा रेट वसूलेंगे नहीं। और रेलवे ने दोस्तों एक नया नियम भी लगाया हुआ है, जब भी दोस्तों उनका बहुत से रेल यात्रियों का कमेंट गया, उन्होंने मतलब ट्वीट करके रेलवे को बताया कि जो भी रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगे रहते हैं वो केवल कैश लेते हैं और ट्रेन में सफ़र के दौरान हम ज़्यादा कैश लेके सफ़र नहीं करते हैं, तो बारकोड वाला सिस्टम कीजिए, मतलब ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दीजिए। तो रेलवे ने दोस्तों ये चीज़ भी मानी, उनका कहना है कि अभी मोस्टली 80% स्टॉलों पे आपको ऑनलाइन की फैसिलिटी मिलेगी। जी आपने ना बिल्कुल सही सुन रहे हैं, छोटे स्टेशन से लेके बड़े स्टेशन तक आपको बारकोड वाली फैसिलिटी मिलेगी, मतलब आप अपने मोबाइल से फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी मेथड से आप ऑनलाइन पेमेंट उनको कर सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना, और कोई भी अगर मतलब स्टॉल है जिसका स्टेशन पे वो बेच रहा है, अगर अभी तक वो बारकोड नहीं लगाया, अगर ये वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से वो लगा ले, वरना दोस्तों यहाँ पे उनको भी पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान दे वो। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब दोस्तों शिकायत व सुझाव के लिए जो भी स्टॉल लगे रहेंगे वहाँ पर दोस्तों टोल फ्री नंबर भी उनको आपको देखने को मिलेगा, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1800-111-321। ये दोस्तों शिकायत और सुझाव के लिए कोई अगर आपसे रेट ज़्यादा ले रहा है, पैसा ज़्यादा ले रहा है और मतलब क्वालिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार रेल यात्री बोलते हैं हमने इसके यहाँ से सब्जी रोटी लिया, खाना लिया, बासी खाना दे दिया, XYZ, इससे रिलेटेड दोस्तों आप दे सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन पे स्टॉल वाले आपको पैसा रिटर्न करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, रेलवे ने पहले ही से बोल के रखा है जितने भी टेंडर वाले हैं, स्टॉल वाले हैं, कि आपको फ्रेश और शुद्ध खाना देना है वरना आपकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। ये शिकायत पे और दोस्तों 139 पर भी डच कर सकते हो। दोस्तों एक दूसरा ऑप्शन, डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ये वाली पेमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड और एक तीसरी बात है कि कंप्लेन बुक, जैसे दोस्तों आप उनके यहाँ से अगर सामान ले रहे हो तो एक फीडबैक डायरी भी उनके पास रखा जाएगा। रेलवे ने एक नया अपडेट ये लाया है ताकि मतलब दोस्तों जो भी रेल यात्री उनके स्टॉल से सामान लेगा वो चाहे तो अपना फीडबैक वहाँ दे सकता है, और जो स्टॉल वाला है उनको फीडबैक भी लेना पड़ेगा। जैसे दोस्तों फीडबैक से ये पता चलता है कि स्टॉल वाला मतलब कैसे काम कर रहा है और मतलब लोगों के हिसाब से काम अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे दोस्तों आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा बीच में झाड़ू पोछा वाले मतलब आते हैं, जो झाड़ू पोछा वगैरह लगाते हैं वो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उनकी नौकरियाँ रहती हैं, तो फिर आपसे दोस्तों एक फॉर्म में एक पेपर लेके आएंगे उसमें फीडबैक भरवाते हैं, तो आप PNR, सीट नंबर वगैरह, और दोस्तों आप 5-5 स्टार की रेटिंग देते हैं। तो सेम फ्रेंड इनके पास भी एक बुक रहेगा और ये बुक दोस्तों जो रेलवे के आला अधिकारी हैं और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो फ्रेंड एक ये नई अपडेट रेलवे की तरफ से चालू की गई है कि रेल यात्रियों से ज़्यादा सामान मतलब जो प्रिंट आ रही है वही प्रिंट लिया जाएगा। और रेल नीड दोस्तों मोस्टली रेलवे ने बोला है कि जितने भी स्टॉल वाले हैं उनको एक स्टिकर लगाना होगा कि पानी का बोतल केवल 15 रुपये में। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि आज के समय में दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की बिक्री होती है तो पानी की बोतल की होती है। दूसरी बार रेलवे ने जितने भी स्टॉल हैं उन सबको बोला है कि आपको केवल रेल नीड ही बेचना है, दूसरे पानी की बोतल नहीं बेचना है। दोस्तों आप नोटिस किए होंगे ट्रेन के अंदर जितने भी पानी की बोतल बिकते हैं अलग अलग कंपनियों की, सबकी MRP 15 रुपये ही लेती है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो और सामने वाला आपसे 20 रुपये मांगता है तो आप 20 रुपये दे देते हो, इससे सामने वाले का दोस्तों आदत पड़ जाता है और 20 रुपये में बेचता है। अगर आप नहीं दोगे 20 रुपये तो उसकी क्या मजाल है कि आपको वो 15 रुपये में पानी का बोतल नहीं देगा। तो सब यात्रियों को एक साथ में चलना पड़ेगा तो ही ये काम होने वाला है। जैसे दोस्तों मैं पानी का बोतल बेच रहा हूँ,
मैं अगर 20-20 रुपए का पानी का बोतल बेच रहा हूँ तो कोई भी रेल यात्री नहीं ले रहा है। अगर मैं वही क्योंकि सबको पता है कि हम पानी 15 में लेंगे, अगर वही मैं पानी 15 रुपए में बेच रहा हूँ सब ले रहे हैं, तो फिर सबको साथ में लेकर चलोगे तो अगर आप बढ़ावा दोगे, वो 20 रुपये मांग रहा है आप अगर दे दोगे तो फिर उनकी आदत तो पड़ ही जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, रेलवे ने आपके लिए ही ये फैसिलिटी चालू की है। रेलवे का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट आप डिजिटल तरीके से करो, क्योंकि उनका कहना है कि कई बार, और रेलवे का ये भी कहना है कि कोई भी रेलवे स्टेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वहाँ पर आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब डिजिटल पेमेंट आप इजी तरीके से कर सकते हो, और कोई भी शिकायत या सुझाव के लिए आप 139 पर कॉल कर सकते हो। तो बस फ्रेंड, आज की इस वीडियो में ये छोटी सी अपडेट मैं आपको देने वाला था। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सूरत बॉय किस तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।